नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेमसिंह सहगल छत्तीसगढ़ डेंटल हॉस्पिटल से, और आज मैं ना ये ब्रशिंग के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। दरअसल लोगों को ये मिथ रहता है कि है ना, ज़्यादा देर तक और ज़्यादा जोर से ब्रश करने से दांत अच्छे साफ होते हैं। दरअसल ऐसा नहीं है, हमको सॉफ्ट ब्रश यूज़ करना चाहिए और ना कम समय के लिए अपने को कम से कम 2 मिनट के लिए जो ना ब्रशिंग करना चाहिए। 2 मिनट के ऊपर ब्रश नहीं करना है, और बाजार में जो सॉफ्ट एक्स्ट्रा अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रशेज आते हैं उसको यूज कर सकते हैं। ज़्यादा जोर से ब्रश करने से मसूड़ों में और दांतों की जो ऊपर की इनेमल की परत होती है वो घिस जाती है, और फिर ये ना दोबारा आपके इनेमल की परत एक बार घिसने के बाद दोबारा बनती नहीं है। फिर हमें इसमें या तो फिलिंग करनी पड़ती है या तो फिर इसमें रूट कैनाल करना पड़ जाता है। तो ये कई लोगों का आदत रहती है कि दांतों घिसने की, बहुत देर तक 15-20 मिनट तक वो लोग दांतों घिसते रहते हैं उनसे, या फिर बुरा को घिसते रहते हैं। ठीक है, ये सब आदतें छोड़ के उनको सॉफ्ट वाला ब्रश यूज़ करना है और टूथपेस्ट यूज़ करना है। लोग टूथपेस्ट यूज़ नहीं करते हैं, कई लोग ना खाली ब्रश सिर्फ ब्रश पूरे ब्रश से ना दांत साफ कर लेते हैं। दरअसल अपने को टूथपेस्ट का उतना ही काम है जितना कि अपने का ब्रश का काम है, सॉफ्ट ब्रश का काम है। बिना टूथपेस्ट के करना है तो टूथपेस्ट का एक्चुअल में ना एक एडिटिव एडवांटेज रहता है, उसमें जो मेडिकामेंट रहते हैं ठीक है ना, वो आपके इनेमल की परत को रिपेयर करने का काम करेंगे। वो आपको अगर सेंसिटिविटी हो रही होगी तो सेंसिटिविटी ठीक करने का काम करेंगे, और वो मतलब एक एक तरीके से लुब्रिकेंट का काम करते हैं। ठीक है ना, किसी भी हार्ड चीज़ को आप किसी के ना दूसरी हार्ड चीज़ से घिसेंगे तो उसके बीच की सतह में कोई ना कोई आपको लुब्रिकेंट के रूप में कोई चीज़ चाहिए, तो एक्चुअल में वो टूथपेस्ट आपका वो काम करता है, एज ए लुब्रिकेंट काम करेगा और एज अ मतलब इनेमल रिपेयर के तरीके से भी वो काम करेगा। तो अपने को जो बाजार में जो फैंसी ब्रशेज आते हैं वो छोड़ के सिंपल साधारण जो अल्ट्रासाउंड ब्रश आते हैं उनको यूज़ करना है। जिगजैग ब्रश अपने को ज़्यादा प्रेफर नहीं करना चाहिए, करने के लिए तो यूज़ कर सकते हैं, मगर जिगजैग ब्रश में भी है ना, अगर वो सॉफ्ट कैटेगरी का है, जिगजैग ब्रश सॉफ्ट कैटेगरी का है तो अपन उसको यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हार्ड ब्रश यूज़ नहीं करना, लेकिन जो सामान्य ब्रश होते हैं उनको ब्रश करने के बाद ऐसा लगता है कि अच्छी सफाई नहीं हुई, इसलिए ज़्यादातर लोग ब्रश करते हैं। तो सामान्य ब्रशों में सफाई नहीं होती है? ऐसा नहीं है, आप एक उसमें टेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप ब्रश कर रहे हैं, ब्रश करने के बाद में ना इनेमल की परत के ऊपर एक जो सफ़ेद कफी जैसा जमता है वो आप अपने नाखून से कुरेद के देख सकते हैं। अगर वो चीज़ नहीं जम रही है मतलब अपने दांत साफ हो गए। एक्चुअल में हमको ब्रश से ना वो जो सफ़ेद परत जो जम रही जिसको हम प्लाक बोलते हैं वो दरअसल अपने हटानी होती है। ठीक है ना, वो आपके हार्ड ब्रश से भी हट जाएगी, वो सॉफ्ट ब्रश से भी हट जाएगी। ठीक है, मगर अपने को हार्ड ब्रश प्रिफर नहीं करना। और जो लोगों को दांतों में सेंसिटिविटी की शिकायत रहती है उनको तो बिल्कुल नहीं करना। अरे, जो पपड़ी की आंत आप कर रहे हैं तो पपड़ी 24 घंटे में अपने मुँह में आ जाती है? हाँ, वो आना ब्रश करने के बाद में आधे घंटे के बाद से वो जमना चालू हो जाती है, और 2-3 घंटा में वो काफ़ी हद तक जम जाती है। मगर चूँकि अपन दिन भर में कुछ ना कुछ खाते रहते हैं पीते रहते हैं, वो जो परत है वो है ना निकलती रहती है, बनती रहती है। और हमें रात को सोने से पहले ब्रश करना है, क्योंकि फिर रात को अपन तो कुछ खा नहीं रहे है ना, माउथ में मतलब अपन दिन भर में कुछ फल खा लिए, फ्रूट खा लिए, तो पपड़ी बनती रहेगी, हटती रहेगी। और रात में ऐसा नहीं होगा, मतलब अपने को सोने से पहले तो ब्रश अवश्य करना है, तो भले ही अपन सुबह एक बार ना करें मगर सोने से पहले ब्रश। मुझे स्मेल क्यों आती है कि हम ब्रश ना करें, मुझे स्मेल आने लगती है, रंग ग्रीन ना करें, तो वो क्यों होता है? वही है ना, मतलब जो प्लाक जो मैंने बताया आपको, जो परत जमती है वो दरअसल है ना फूड पार्टिकल और बैक्टीरिया का कलेक्शन रहता है। ठीक है, तो वो बैक्टीरिया क्या है कि आपके मुंह में खाने के जो अंश रहते हैं है ना उसको फीड करते हैं, और खाने के जो अंश रहते हैं उनको खाते हैं, और उनसे जो बाय प्रोडक्ट बनते हैं उनके कारण आपके बिना सांसों से मुंह से दुर्गंध आती है। तो आप जो भी खाएंगे, खाना खाने के बाद में आपको कुल्ला करना है, तो ये दुर्गंध वाली चीज़ नहीं होगी।